इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है कितना 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर बराबर कितना दिया 140 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.4 मीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो गया डी बाई टू हो गया डायमीटर का आधा और 1.4 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 0.7 मीटर। इसमें हम रख करके देखते हैं और एच का वैल्यू निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 कितना हो गया 1.547 से ये कट गया तो ये हो गया 0.1 इक्वल टू 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू एच। तो एच बराबर क्या हो गया 1.54 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया 154 दो डेसिमल है तो ये दो डेसिमल खत्म हो जाएंगे ठीक है। या 22 तो हो जाएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 7 ये हो गया। ये दो डेसिमल कैसे हो गया खत्म हो गया अगर 0.1 तो कितना हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 1.54 डिवाइडेड बाय 100 और 1 बाय 10 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा तो 100 और 10 कट जाएगा तो हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 1.54 22 इंटू 0.07 ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो दो डेसिमल इसका और दो डेसिमल इसका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा फाइनली 154 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7 ये बच गया। और 7 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना गया 22 से 22 करेंगे तो ये हो गया 1 मीटर ठीक है। तो हाइट कितना गया हाइट इक्वल टू 1 मीटर तो ये हो गया सिलेंडर का। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं।